आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सोमवार से शुक्रवार हमारा क्विज का प्रोग्राम होता है, जिसमें आप सब भारी मात्रा में, एक प्रकार से कहें, बहुत ज़्यादा आप सबका सहयोग मिल रहा है। तो ये कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा और आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छे सुधार भी आप सबको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भार्गवी नदी किस राज्य से संबंधित है। पूछ रहा है हाल ही में चर्चा में रही भार्गवी नदी किस राज्य से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि भार्गवी जो नदी है ये किस राज्य से संबंधित है। विकल्प में क्या क्या है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। यदि हम देखें भार्गवी नदी के बारे में देखें, तो जो भार्गवी नदी है, आपने एक नदी का नाम सुना होगा महानदी। महानदी की सहायक नदी है और महानदी की जब भी चर्चा आती है तुरंत आपको एक बांध का नाम आना चाहिए, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये बांध किस नदी पे बना है, महानदी पर ये बांध बना है। तो जो भार्गवी नदी है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी की सहायक नदी है और ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, सी विकल्प सही हो गया, उड़ीसा। अब इसकी चर्चा मैंने क्यों किया है, वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि इसकी चर्चा क्यों की गई। सबसे पहले देखें, आप देख रहे होंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। चाहे आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, आसाम की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, बहुत सारे राज्य, दर्जनों राज्य ऐसे हैं भारत के जो बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक पिक्चर उड़ीसा से संबंधित आई थी, जो ये भार्गवी नदी से संबंधित पिक्चर है और इसमें बताया गया था किस प्रकार से भार्गवी नदी ने जनजातीय क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। तो उसी से संबंधित इस प्रश्न की चर्चा मैंने किया है, इसलिए इस प्रश्न को रखा गया है। चलें बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। इनमें से, इन तीनों में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पहला है बिजली, दूसरा है विमानन टरबाइन ईंधन, तीसरा है मानव उपभोग के लिए शराब। इसमें से कौन सी वस्तु है जिसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यदि इसमें आप देखें तो जैसे बिजली है, इसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, विमानन टरबाइन ईंधन, इसको भी बाहर रखा गया है और शराब के बहुत सारी इस पर चर्चा भी हुई थी जब जीएसटी इस पे लागू नहीं किया गया था और बहुत सारे सवाल भी उठे थे, तो शराब भी इससे बाहर है। मतलब एक, दो और तीन, तीनों जो हैं इसमें जो दिए गए हैं इन पे जीएसटी लागू नहीं होती, जीएसटी स्लैब से ये बाहर हैं। यदि बात करें प्रश्न की चर्चा क्यों की गई है, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और केरल राज्य सरकार के बीच जीएसटी को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, उसी से संबंधित एक आर्टिकल था, सेंटर मस्ट बोरो एंड पे स्टेट जीएसटी ड्यूज केरला। तो इसने बात किया है केरला ने कि भाई अभी हाल ही में 41वें जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें केरला ने बताया कि जो जीएसटी का रेवेन्यू होता है उसको केंद्र सरकार ने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो शेयर करें। इसके अतिरिक्त तो और बहुत सारी समस्याओं को लेकर ये आर्टिकल है, जिसमें बात किया गया है कि केरल राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त सहायता चाहिए, केरल राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए, केरल राज्य सरकार को RBI से कुछ ऋण की आवश्यकता है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो यहीं से ये रखा गया था क्योंकि जो मेन कंसर्न था वो GST को लेकर था, GST ड्यूज को लेकर था, तो इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और केरल की यदि हम बात करें तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न लगभग इसी रीजन से है। तो दूसरा आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, कह रहा है इसमें कि परिम्बकुलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। तो परिम्बकुलम बाघ अभ्यारण्य जो है ये यदि हम बात करें किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा केरल से संबंधित। ये बाघ अभ्यारण्य केरल से संबंधित है। चर्चा क्यों की गई है अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन जब बाघ अभ्यारण्य की बात हो रही है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में एक सेंसस जारी किया गया था, टाइगर से संबंधित एक सेंसस जारी हुआ था, जुलाई माह में जारी हुआ था, जिसने कुछ एक प्रकार से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ इशारा किया था, बिंदुओं की तरफ इशारा किया था, जिसमें बक्सा टाइगर रिजर्व, इसके बाद डम्फा टाइगर रिजर्व और तीसरा इसमें जो टाइगर रिजर्व था वो था पलामू।
ये तीन टाइगर रिजर्व हैं, डम्फा, पलामू और बक्सा। सबकी बात कर ले कौन कहाँ से संबंधित है वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये जो तीनों टाइगर रिजर्व हैं इनमें अब बाघों की संख्या शून्य है। मतलब जो इस बार का सर्वे आया, जो सर्वे किया गया, जो सेंसस आया, उसमें बताया गया कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे भी एक भी बाघ देखने को नहीं मिला है। यदि हम बात करें बुक्सा या बक्सा की तो ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है, मतलब जो भी यहाँ पे बाघ थे उनका शिकार कर लिया गया है। दूसरा आपका है डम्फा टाइगर रिवर, डम्फा की यदि हम बात करें तो ये संबंधित है मिजोरम राज्य से, तो मिजोरम का जो डम्फा टाइगर रिजर्व है वहां पर भी बाघों की संख्या शून्य है। तीसरा आपका है पलामू, पलामू आपका देखने को मिलेगा झारखंड में और यहां भी बाघों की संख्या शून्य हो गई है। तो भारत में तीन टाइगर रिजर्व ऐसे हैं, बक्सा, डम्फा और पलामू, जहां पर अब एक भी बाघ नहीं बचे हैं। जो जुलाई में सेंसस जारी हुआ था उसने इस तरफ इशारा किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है इनके नाम देखे, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो समसामयिक संदर्भों में जो चर्चा में रहते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। तो यदि आप देखें तो पूछा जा सकता है बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे है, पलामू कहां पे है या डम्फा कहां पे है। तो राज्य भी पता होना चाहिए, किन संदर्भों में चर्चा में है वो संदर्भ भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो बाघों की संख्या में सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा स्थान पर है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यदि हम बात करें पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हैं, तो सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जिम कार्बेट के अंतर्गत, और जिम कार्बेट में जो टोटल बाघ हैं वो 231 बाघ इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा बाघ यदि एक राष्ट्रीय उद्यान में कहीं है टाइगर रिजर्व में तो वह है जिम कार्बेट। सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य यदि हम बात करें तो वह है मध्य प्रदेश। किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या शून्य हो गई है, बुक्सा, डम्फा और पलामू, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की चर्चा क्यों की गई है, तो आइए देख लेते हैं आर्टिकल को। एक आर्टिकल छपा था समाचार पत्र में, बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिंग अर्ली इन सदर्न इंडियन दिस ईयर। आप जानते हैं जो तितलियां होती हैं, तितलियां जो होती हैं इनको किसानों का एक प्रकार से देखें किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि फलों और विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए ये लाभप्रद होती हैं, लाभकारी होती हैं, और ये एक प्रकार से देखें तो मानव अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं तितलियाँ। तो जो बटरफ्लाई थी जो इस रीजन में पाई जाती थी, पश्चिमी घाट में जो पाई जाती थी, तो एक मौसम के आधार पे वो एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करती थी। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इनका जो पलायन है वो बहुत जल्दी इस क्षेत्र से हुआ है, ये आर्टिकल पूरा इसी बात को इंगित करता है। और इसी बात में बताया गया है कि जो तितलियां थी, विशेषकर जो परम्बाकुलम टाइगर रिजर्व जिसकी अभी हमने बात किया पूर्व में, परम्बाकुलम टाइगर रिजर्व, उसी की बात यहाँ पे की गई है कि परम्बाकुलम टाइगर रिजर्व इन पक्कड़ डिस्ट्रिक्ट बाई फॉरेस्ट वाचेज ऑन जुलाई 14 लेटर बटरफ्लाई इंथेसिस इन सेलम इरोड एन। इसमें बोला गया है कि जो इस बाघ अभ्यारण्य में तितलियां पाई जाती थी वो बहुत जल्द ही केरल के अन्य क्षेत्रों के लिए पलायन कर गई, और उसी से संबंधित एक आर्टिकल है और इसमें पूरी बात बताई गई है कि क्या कारण रहे हैं जिससे तितलियों का पलायन हो रहा है, पूर्व में कैसे होता था, किस तिथि को होता था, तो उसके बारे में ये आर्टिकल आपको बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी से संबंधित आपको ये दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। ये तीन चोटियां, चार चोटियां आपको दी गई हैं, बोल रहा है कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। यदि नाम देखें तो पहला है पालकोंडा पहाड़ी, दूसरा है सेवराय पहाड़ी, तीसरा है जावड़ी पहाड़ी और तीसरा है पलानी। यदि आप पूर्वी घाट देखेंगे, भारत का पूर्वी घाट देखेंगे, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये आपके भारत के पूर्वी घाट में इसी क्रम में आपको देखने को मिलती हैं। तो पूछा जा रहा है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, मतलब सबसे उत्तर में इनमें से कौन सा है, फिर दक्षिण में कौन सा है, ये आपको बताना है। केरल से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए है। चलिए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी का क्रम सही है। तो इसमें यदि आप देखें तो इसका जो आपका देखने को मिलता है डी विकल्प 1-3, ये वाला विकल्प आपका सही है, क्योंकि सबसे पहले यदि आप देखें तो पालकोंडा पहाड़ी आपको देखने को मिलती है सबसे उत्तर में, इन चारों में से पालकोंडा आपको देखनी मिलती है। पालकोंडा के बाद आपको जावड़ी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, और जावड़ी के बाद सेवराय की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, और इसके बाद पलानी। तो सबसे पहले पालकोंडा 1,
तीसरा हो गया जावड़ी दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे सेवराय, और सबसे लास्ट में है पलानी। तो ये जो पहाड़ियों का क्रम है, चाहे आप पूर्वी घाट की बात करें चाहे आप पश्चिमी घाट की बात करें, तो पश्चिमी घाट में भी इसी तरह से क्रम है, वो भी आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, थाल घाट भोर घाट, तो उनके बारे में भी क्रम आपको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो करंट से जोड़कर पढ़ी जा सकती हैं भूगोल में भी, तो उसको साथ साथ आपको देख के चलना है। अब आपका यहीं पे होमवर्क बनता है कि पूर्वी घाट की जो भी पहाड़ियां हैं जो भी दर्रे हैं उनको भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं और बताएं। यदि नहीं आता है तो बताएं, निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैप था लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो इस प्रकार का मैप है, इसमें बोला गया है कि किस तरह से पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो आपको मैप में देखने को मिल जाएगा क्योंकि आप सबके पास एटलस है। अगला है, अफ्रीकी बाओबाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बाओबाब क्या है। तो बाओबाब एक प्रकार का पौधा है, बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में आपने एनिमल प्लैनेट या जो इस डिस्कवरी चैनल इसको देखा होगा यदि आपने, तो जो भी क्षेत्र दिखाए जाते हैं अफ्रीका के, चाहे मसाई बाड़ा का क्षेत्र हो गया, कीनिया का, इस तरह के जो भी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं, नामीबिया दिखाता है उसमें, तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसमें, उसको आप बोलते हैं बाओबाब। उसकी पिक्चर भी मैंने लगाई है तो भी आप समझ जाएंगे। अफ्रीकी बाओबाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे जीवन के पेड़ के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका जीवन काल हजारों वर्ष का होता है। दूसरा, यह चारा औषधियों और इस तरह के कई उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान करें। तो आपको बता दें कि इसमें यदि हम सत्य कथन की बात कर रहे हैं तो इनमें से सी विकल्प सही है, एक और दो। अब आइए समझ लेते हैं अफ्रीकी बाओबाब के बारे में। आप आज सर्च कर लीजिएगा अफ्रीकी बाओबाब, तो ये बृहद वृक्ष आपको देखने को मिलेगा और विशेषकर जो जनजातियां रहती हैं इन्हीं वृक्षों पर आश्रित होती हैं। किस लिए? जल के लिए इन्हीं वृक्षों पर आश्रित होती है क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं इनमें भारी मात्रा में जल का भंडार भी होता है। तो इसमें बोला गया है ट्री ऑफ लाइफ, द अफ्रीकन बाओबास नोन एज द ट्री ऑफ लाइफ कैन लिव फॉर ओवर 1000 ईयर, इट यील्ड्स फूडेड मेडिकल कंपाउंड्स एंड मेनी सच प्रोडक्ट्स। ए रिसेंट स्टडी इन साइंटिफिक रिपोर्ट फाइनली फाइंड दैट ट्री हैज 168 क्रोमोजोम्स, मतलब ये जो पौधा है इसमें 168 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि अफ्रीकी बाओबाब जो पौधा है उसमें कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो 168 क्रोमोजोम पाए जाते हैं और इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है। चल आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा गढ़चिरौली किस राज्य से संबंधित है? गढ़चिरौली, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, ये शहर या यह स्थान आपको बताया जाता है। तो हाल ही में चर्चा में रहा गढ़चिरौली, गढ़चिरौली एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ये जो गढ़चिरौली है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। चर्चा क्यों की गई है आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो सरकार है C60 एक बटालियन है जिसके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सरकार इस क्षेत्र पर नियंत्रित करती है। C60 जो बटालियन है एंटी नक्सल बटालियन है, नक्सल ऑपरेशन में विशेषकर गढ़चिरौली के क्षेत्र में जो नक्सल ऑपरेशन करते हैं उसके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक बटालियन का गठन किया जिसका नाम है C16। इसी तरह से एक बटालियन है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है जिसका नाम है ग्रे हाउंड। जो बटालियन है ये आंध्र प्रदेश द्वारा गठित की गई है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करती है ग्रे हाउंड। इसी तरह से C16 बटालियन महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी चर्चा क्यों किया है, इस प्रश्न को क्यों रखा गया है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि जो गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहां पे अवसंरचना विकास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और इन्होंने जो हमारे इस समय के मंत्री हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री, उनके द्वारा बताया गया है, उनके द्वारा आभार व्यक्त किया गया है उन ठेकेदारों का, उन मजदूरों का जो इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसमें बोला गया है कि 700 करोड़ रुपए की एक अन्य परियोजना इस क्षेत्र में शुरू की जा रही है। तो इसी से संबंधित ये चर्चा थी। तो आपके लिए आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और यदि आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ नए तथ्यों को इसमें जोड़ना चाहते हैं तथ्यों को, तो आप बताएं कि किस विषय से तथ्यों को इसमें जोड़ा जाए, निश्चित रूप से आपके सुझाव पर कार्य किया जाएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, धन्यवाद।